हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आज हम जीके का मॉक टेस्ट लेने वाले, यानी सामान्य ज्ञान का मॉक टेस्ट होगा, जिसमें पूरे 15 क्वेश्चन हम कवर करने वाले, काफी सारी व्याख्या भी हम कवर करने वाले, तो लगभग 50-60 क्वेश्चन आपको इस क्लास में कवर करवाने वाले। और सभी विद्यार्थियों का टारगेट लेके चलना है 13+ का। इस क्लास में 15 में से 13+ का टारगेट लेके चलना है और अंत में आपको कॉमेंट करके भी बताना है। आज की क्लास में इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे, जो कि इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो पीछे के पेपरों में पूछे गए या आगामी पूछे जाने की संभावना रहेगी। चलिए दोस्तों, बिना देर किए सेशन की तरफ बढ़ते। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जिन्होंने भी सुबह वाली मैथमेटिक्स की जो टॉपिक वाइज हमने जीरो लेवल से शुरू किया है, दोनों टॉपिक नहीं दिखाए तो एक बार जरूर देखेगा, दो वीडियो अभी तक हमने डाल दिए जीरो लेवल से लेकर। और जिन विद्यार्थियों ने हमारी ई बुक डाउनलोड नहीं कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, टॉपिक वाइज भी है और प्रैक्टिस सेट भी है, जो आपको बेस्ट लगे वो परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। सभी विद्यार्थी साथ साथ लाइव चैट में जवाब देते रहना। क्वेश्चन नंबर एक आपके स्क्रीन के सामने आ गए, किस तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में है। तो किस तीर्थकर की बात कर लेते हैं जिसका संबंध आपको पता है ऋग्वेद से, यानी ऋग्वेद में उसका उल्लेख मिलता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, ऋषभदेव, यानी ऋषभदेव, या कह सकते हैं इनका दूसरा नाम आदिनाथ भी था, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म की बात कर लेते हैं तो आप ध्यान रखिएगा प्रथम तीर्थकर थे। और यदि बात करें जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर, तो महावीर स्वामी थे जो 24वें तीर्थकर थे। और 23वें की बात करें तो पार्श्वनाथ है, और दूसरे की बात करें तो अजीतनाथ है। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। दो नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्या दर्क है। शून्यवाद का जन्मदाता माना जाता है, शून्यवाद का जन्मदाता नागार्जुन को माना जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। तीन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्वेश्चन क्या दर्क है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो आप सबको पता होगा एओ ह्यूम ने की थी, दादा भाई नौरोजी और एओ ह्यूम ने मिलकर की थी। आपको पता होगा, ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा है। और स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी, ये भी याद रखेगा। और प्रथम हम बात कर लेते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था, तो WC बनर्जी बना था। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। चार नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या देर का है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष करवाया था। तो लॉर्ड कर्जन ने, पहले बात तो कर लेते हैं बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्जन था। अब बात कर लेते हैं यानी कब हुआ था। बिल्कुल जो ऑप्शन है सी बता रहे, 16 अक्टूबर 1905। बिल्कुल उनका उत्तर सी है। कई बार पेपरों में पूछा गया, खासतौर से सन तो आपको याद रखना है 1805 में हुआ था, और डेट भी याद रखना चाहिए 16 अक्टूबर। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। पांच नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्या देर का है। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था, यानी स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन, जो कि शिकागो में आपको पता है अमेरिका में, संबोधित किया था, कब किया था। तो आप सबको बताओ 11 सितंबर 1893 में किया था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी, ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में रिपीट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था। आप याद रखिएगा नरेंद्रनाथ दत्त था, और बचपन का नाम आप याद रखना है। और बात कर लेते जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 को हुआ था। जन्म याद रखिएगा, कई बार पेपरों में पूछा गया 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। और 12 जनवरी को आपको पता होगा भारत में, बात कर लेते राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी, यह भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्या है। भारत में रेल मार्ग का प्रारंभ किसके शासन काल में हुआ था। तो भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत आपको पता होगा कब हुई थी, आपको पता होना चाहिए 1853 में हुई थी। कब हुई थी, 16 अप्रैल 1853 में हुई थी, जो कि मुंबई से ठाणे के मध्य लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी, जो कि आपको पता होगा उस वक्त हम बात कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 7 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना किस स्थान पर खोला था। अंग्रेजों ने, आपको पता है भारत में पहला कारखाना की बात कर लेते हैं, 1608 में कहां खोला था, आपको पता होना चाहिए सूरत में खोला था। कहां खोला था, सूरत में खोला था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और द्वितीय कारखाना की बात कर लेते हैं तो मद्रास में खोला था, ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और अब बात कर लेते हैं, यहां से काफी सारे जो भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने बता दिए। यदि मैं बात करूं गोवा, गोवा पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1961 में स्वतंत्र हुआ था गोवा पुर्तगालियों से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। आठ नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आठ का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है, यानी किस शासक को जाटों का प्लेटो कहा जाता है? बिल्कुल जो ऑप्शन है भी बता रहे सूरजमल, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आपको पता होगा सूरजमल कहाँ का शासक था, तो भरतपुर का प्राचीन राजा सूरजमल था, ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। नौ नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, ख्वाजा मुहिद्दीन जो चिश्ती की दरगाह है वो कहाँ है? तो आपको पता होगा राजस्थान के अजमेर में है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है, तो सभी विद्यार्थी इस चीज को नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। दस नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्या दे रखा है? दिल्ली के सुल्तानों में से किसे लाख बख्श कहा जाता है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और ये बता रहे कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और आपको पता होगा कुतुब मीनार की नींव किसने लिखी रखी थी, यानी शुरुआत कुतुब मीनार की किसने की थी? तो आप याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, कई बार पेपरों में पूछा गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी थी, संज्ञा दी थी? तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि वीणा वादक थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यह आपको पता है संज्ञा किसने दी थी, आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे समित, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष की नहीं है, यानी हर्षवर्धन की बात करें, हर्षवर्धन की बात करें तो आपको बताए रचनावली है, प्रियदर्शन का भी है, आपको बता होगा नागानंद भी है, जबकि हम बात कर लेते हैं हर्षरित नहीं है, बिल्कुल हर्षरित की बात कर लेते हैं, तो किसकी रचना है जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आ चुका है, तो ये बाण भट्ट की रचना है, किसकी रचना है याद होना चाहिए, बाण भट्ट की रचना कौन सी है, हर्षचरित्र है, तो ये सभी विद्यार्थी नोट कर लो। अब बात कर लेते हैं हर्षवर्धन के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो ये भी याद रखिएगा हवेन सांग आया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध आप सबको पता होगा मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, कनौज का जो राजा था जयचंद उसके बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी तथा जयचंद की हार और मृत्यु हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे 1194, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं त्रैन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और त्रैन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, गीत गोविंद के रचयिता जो जयदेव, अब कई बार तो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जयदेव की रचना कौन सी है, गीत गोविंद किसकी रचना है, तो आप याद रखिएगा जयदेव की रचना है। तो इनके किसके दरबार में थे, यानी किसके दरबारी कवि थे, तो आपको पता होगा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, आपको पता होगा जयदेव जो कि गीत गोविंद की रचना की है, ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्या देर का है? अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो सिंध का शासक आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे दाहिर, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने, आपको पता होगा सर्वप्रथम जो अरबी आक्रमणकारी था वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। अब सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बताएगा इस क्लास में किन किन विद्यार्थियों के 13 प्लस क्वेश्चन राइट हुए, अपने स्कोर कमेंट कीजिएगा ताकि हर एक विद्यार्थी का कंपटीशन का पता चल पाए, और अपने कॉमेंट बॉक्स में भी आपको सभी को विद्यार्थियों को कॉमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, ताकि हर एक विद्यार्थी अपना कंपटीशन चेक कर पाए। ये थी दोस्तों आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई, तो वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी मैथमेटिक्स की क्लास टॉपिक वाइज सीखना चाहते हैं, हमने 2 दिन मैथमेटिक्स की टॉपिक वाइज क्लास शुरू किए हुए, तो जरूर देखिएगा बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और जिनको भी जीके जीएस भी टॉपिक वाइज पढ़ना है, हमारी टॉपिक वाइज ई बुक है, वो आप ले सकते हैं, वो परचेज करके आप पढ़ सकते हैं शानदार तरीके से, ताकि प्रत्येक सब्जेक्ट आपका मजबूत हो जाए, और साथ में आप बेहतर यदि आप तैयारी करना चाहते हो, यदि प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो, जिन भी विद्यार्थियों ने प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज ई बुक नहीं ले रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।